बिजी आदमी, मैं वैसे ही तुम्हें से मिलने आया हूँ, इंजमाम ने कहा था तुम बड़े अच्छे आदमी, तो मुझसे कहता है कि सईद अनवर मैंने पाकिस्तान टीम जैसे लड़के कहीं नहीं देखे, और ये एक नंबर लड़के हैं, ये बड़े डिसिप्लिन हैं, रातों को जल्दी सोते हैं, कोई इनमें ड्रिंक्स एल्कोहल नहीं पीता, और मेरी भी ये बहुत अच्छी तरह बात मेरी इज्जत करते हैं, आपस में झगड़ा नहीं, और ये दिन में तो इबादत करते हैं, रातों को उठ के भी इबादत करते हैं, तो इनका कनेक्शन अपने गॉड से बहुत अच्छा। तो मुझे उसकी, मैंने उससे कोई बात नहीं, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों को दावत नहीं देते, तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो मैंने, मेरे जहन में आया कि हमारे एक दोस्त हैं शेख हाशिम, जो पहले यहूदी थे, वाइट अमेरिकन, और एक जुनेद जमशेद की तरह म्यूजिक बैंड के हेड थे, गाने गाते थे और बहुत दुनिया के टूर्स किए। जुनेद तो पाकिस्तानी फिगर था, वो इंटरनेशनल फिगर था, जैज बैंड का लीड सिंगर, और सैक्सोफोन बजाना, गिटार बजाना, बहुत स्मार्ट किस्म का खूबसूरत आदमी। तो उसकी एज अभी है तकरीबन 70 के करीब। तो मैंने उसको, शेख को कहा, मगर शेख की माँ जो है ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी और बाप यहूदी एथिस्ट हो चुका है, तो मैंने शेख से कहा आपकी मुलाकात करानी। तो सारा इस्लाम देख के एग्री करके कि यार ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, शेख हाशिम के साथ उसकी 3.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें उसने एग्री किया कि शेख तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस्लाम इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग, इट्स द राइट रिलीजन, बट माई फ्रेंड आई एम टू लेट फॉर इस्लाम, मैं अब इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, आई मेड क्रिकेट माई रिलीजन, और इसी में बेचारा जालिम मर गया, और हार्ट अटैक हुआ, और बिल्कुल कपड़ों के बगैर उसकी लाश पड़ी मिली। तो 5 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहा, दिल से एग्री किया कि इस्लाम हक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह को इस्लाम का पता नहीं, आप मासूम थे, आपको उन्होंने हिदायत दी। अबू जहल बहुत जालिम था, अबू जहल को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही। अबू जहल, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये आपको अपने बेटों से ज़्यादा जानता है, कि आप नबी हैं लेकिन आप पे, आपकी, आप पे ईमान नहीं लाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने फजल से मुझे भेजा आपके पास, और मेरे पास ही बहुत सारे लोगों को भेजा, ताकि आप तक मैं अल्लाह का पैगाम पहुँचा दूँ। वो क्या पैगाम है कि देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के बड़े हालात खराब हैं। मैं अभी US बहुत सारे सफ़र करके आया, मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बहुत सारे सफ़र करके आया, मैं यूरोप बहुत सारे सफ़र करके आया, इंग्लैंड बहुत ज़्यादा जाता हूँ जो यूरोप का हेड है, मैं इंडिया भी गया हूँ, मैं श्रीलंका भी गया हूँ, बांग्लादेश भी गया हूँ, पूरी दुनिया के हालात खराब हैं, और सारी दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं हालात ठीक हो जाए।